नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। अभी आपने भारत के गृह मंत्री अमित शाह का यह पूरा इंटरव्यू सुना और अब हम आपको आज की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण दिखाएंगे, क्योंकि आज हम आपको चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के फायदे और नुकसान बताएंगे, क्योंकि चुनावी बॉन्ड्स के जरिए चंदा देने वालों की पूरी लिस्ट आज मेरे पास है और इसमें टॉप 10 चंदा देने वाले कौन है और टॉप 10 चंदा लेने वाले कौन है आपको आज पता चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी लिस्ट में अडानी या अंबानी का कोई नाम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा चंदा जिसने दिया है वो फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी के मालिक सेंटियागो मार्टिन है, जिन्हें लॉटरी किंग के नाम से भी जाना जाता है। चंदा देने वाली टॉप 30 कंपनियों में से 15 कंपनियां यानी आधी कंपनियां ऐसी हैं जिन पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो चुकी है, जबकि टॉप 5 कंपनियों में से 3 कंपनियां ईडी, सीबीआई या आईटी की जांच के घेरे में है। और इस पूरी लिस्ट में दो पैटर्न साफ दिखते हैं, एक वो कंपनियां हैं जिन पर जांच चल रही है और दूसरी वो कंपनियां हैं जिन्हें सरकार से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए, जिन्हें काम चाहिए। फार्मा, स्टील, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों ने बड़ी मात्रा में चंदा दिया है। पार्टियों को लेकर भी एक खास पैटर्न दिखता है, चुनाव जीतने वाली पार्टियों का चंदा अचानक से बढ़ जाता है। कुल मिलाकर इस चंदे में 48% चंदा बीजेपी को मिला है और दूसरे नंबर पर कांग्रेस नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस है, जिसे 12% चंदा मिला है। एक बात आपके सामने हम यह जरूर स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह लिस्ट उनकी है जिन्होंने चुनावी बॉन्ड्स खरीदे हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी यह जानकारी नहीं दी है कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। कुल मिलाकर आप देखें तो इस चंदे की बरसात हर पार्टी पर हुई है और देश का हर राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड्स का लाभार्थी रहा है। ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं जिसने इस चुनावी चंदे के इस झरने का पानी ना पिया हो। तो सबसे पहले हम आपको इस रिपोर्ट की 5 बड़ी बातें बताएंगे। पहली और सबसे बड़ी बात यह कि सूची में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की किसी भी कंपनी का दूर दूर तक कहीं कोई नाम नहीं मिला है। लोग अक्सर आरोप लगाते थे कि यह सरकार जो है ये अडानी और अंबानी की सरकार है, लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच यानी 5 साल में कुल 12,156 करोड़ रुपए के 18,871 चुनावी बॉन्ड्स खरीदे गए, लेकिन इनमें से एक भी बॉन्ड ना तो अडानी ग्रुप की किसी कंपनी ने खरीदा और ना ही मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप की किसी भी कंपनी ने कोई भी चुनावी बॉन्ड खरीद कर किसी भी राजनीतिक पार्टी को दिया है, एक नहीं किसी को भी। दूसरी बड़ी बात यह कि सबसे ज्यादा चंदा देने वाली 30 बड़ी कंपनियों में 15 कंपनियां ऐसी हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई हो चुकी है और इनमें से कुछ कंपनियों ने तो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के बाद चुनावी बॉन्ड्स खरीदकर चुनावों में राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है। इससे भी बड़ी बात यह कि सबसे ज्यादा चंदा देने वाली टॉप 5 कंपनियों में से 3 कंपनी ऐसी हैं जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की रेड हो चुकी है। तीसरी बड़ी बात यह है कि चंदा देने वाली कंपनियों में ऐसी कंपनियों की संख्या सबसे ज्यादा है जिन्हें व्यापार करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर दूसरी संस्थाओं और ट्रिब्यूनल से या तो लाइसेंस चाहिए या अप्रूवल्स की जरूरत होती है, यानी सरकार की कोई ना कोई मदद चाहिए। इनमें दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, माइनिंग से जुड़ी कंपनियां हैं, सड़क, टनल और बांध बनाने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां हैं और इनमें स्टील और ऊर्जा यानी एनर्जी के क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां भी हैं और ये सारी वो कंपनियां हैं जो सरकारों से बिना अप्रूवल, लाइसेंस और मदद लिए बिना काम नहीं कर सकती और इन्हीं कंपनियों ने राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा दिया है और ये एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा पैटर्न इसमें दिखता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन कंपनियों को जिन राज्यों में माइनिंग के लिए या किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए लाइसेंस और मंजूरी चाहिए उन राज्यों में वहां की सरकारों को चुनावी बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा मिला है। यह बात मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं जो इस लिस्ट को बहुत अच्छी तरीके से इसका विश्लेषण करने के बाद पता चलती है। उदाहरण के लिए केंद्रीय खनन मंत्रालय की वर्ष 2021 और 22 की रिपोर्ट के मुताबिक माइनिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा 44% की हिस्सेदारी ओडिशा राज्य की है और जिन पार्टियों को देश में चुनावी बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा चंदा मिला है उनमें ओडिशा की बीजू जनता दल पार्टी 5वें नंबर पर आती है, 5वें स्थान पर।
बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और बीआरएस के बाद देश में सबसे ज्यादा 775 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी ने एनकैश कराए हैं। पांचवें नंबर पर है 775 करोड़ रुपए। हालांकि हम यहां ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस पार्टी को चंदा दिया है, इसका कोई डेटा अभी ना तो उपलब्ध है और ना ही मेरे पास है। और अभी चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना बताया है कि 2019 से 2024 के बीच 5 साल में किन किन कंपनियों और लोगों ने चुनावी बॉन्ड्स खरीदे हैं और किन पार्टियों ने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड्स एनकैश किए हैं, किस व्यक्ति या कंपनी ने किस पार्टी को दिया है, यह डेटा अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन अब तक की जानकारी से यह बात जरूर स्पष्ट है कि ऐसी पार्टियों ने चुनावी बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा चंदा दिया है, जिन्हें केंद्र और राज्य स्तर पर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारों से मदद चाहिए, लाइसेंस चाहिए, मंजूरी चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ माइनिंग और स्टील से जुड़ी कंपनियों ने ही 825 करोड़ रुपए अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को दान में दे दिए हैं। चौथी बड़ी बात यह कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिन पार्टियों के जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीद होती थी, उन पार्टियों को चुनावी बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा चंदा मिलता था। यानी जिन पार्टियों पर ऐसा लगता था कि यह पार्टी चुनाव जीतने वाली है, जिनकी हवा बनी हुई है, उन्हें ज्यादा चंदा मिलता है, और जिनके बारे में कहा जाता है कि यह पार्टी इस बार हारने वाली है, उसे कोई चंदा नहीं देता। जैसे अप्रैल 2019 से 2024 के बीच बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा अप्रैल 2019 में मिला, जब देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, क्योंकि 2019 में उस समय लोगों को यह लग गया था, जो चंदा देने वाले लोग हैं, कि बीजेपी जीत रही है। 2019 का लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू हुआ था, जबकि बीजेपी ने 1 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच सबसे ज्यादा 1056 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स एनकैश कराए थे, और मई 2019 में बीजेपी ने 714 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स एनकैश कराए, जबकि इसी अवधि में कांग्रेस को अप्रैल 2019 में सिर्फ 118 करोड़ रुपए और मई 2019 में सिर्फ 50 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसका मतलब जो चंदा देने वाले लोग हैं वो समझ गए थे कि कांग्रेस नहीं आने वाली। वर्ष 2019 से 2024 के बीच कांग्रेस को सबसे ज्यादा 401 करोड़ रुपए का चंदा अक्टूबर 2023 में और 179 करोड़ रुपए का चंदा नवंबर 2023 में मिला, और यह वो समय था जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, और उस समय इन राज्यों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, कांग्रेस की ही सरकारें थीं और कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था कि वो अच्छी वापसी करेगी। इसके अलावा अप्रैल और मई 2023 में जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए, तब कांग्रेस को 190 करोड़ रुपए का चंदा मिला, और यहां बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी को भी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय 334 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी को अक्टूबर 2023 में 359 करोड़ रुपए का और फिर नवंबर 2022 में 702 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसी डेटा से यह पता चलता है कि वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को छप्पर फाड़ कर चंदा मिला। 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले 6 महीने में टीएमसी को 82 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, लेकिन चुनाव जीतने के 6 महीने में टीएमसी को लगभग 250 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसी तरह कुल चंदे में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर टीएमसी पार्टी है, जो कि कांग्रेस से भी ऊपर है चंदा मिलने के मामले में। यानी अगर पहले नंबर पर बीजेपी है, दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा 6061 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की टीएमसी को 1609 करोड़ रुपए, कांग्रेस पार्टी को 1421 करोड़ रुपए, के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को 1214 करोड़ रुपए, बीजेडी बीजू जनता दल को 775 करोड़ रुपए, डीएमके को 639 करोड़, वाईएसआर कांग्रेस को 337 करोड़, टीडीपी को 218, शिवसेना को 158 करोड़ और लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 72 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि आम आदमी पार्टी को 65 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। और ये वो टॉप 10 राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें चुनावी बॉन्ड्स के जरिए चंदा प्राप्त हुआ है। तो ये वो टॉप 10 पार्टियां हैं जिन्हें सबसे ज्यादा चंदा मिला है। अब आपको बताते हैं वो टॉप 10 लोग कौन है जिन्होंने चंदा दिया है। हालांकि यहां सोचने वाली बात यह है कि चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को सबसे ज्यादा
48% चंदा तब मिला जब जब देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी की सरकारें हैं और देश की 65% आबादी पर बीजेपी की सरकारों का शासन है। लेकिन टीएमसी को 12.6% का चंदा मिला जबकि देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही उसकी सरकार है जिसकी भारत की आबादी में हिस्सेदारी सिर्फ 7.5% है। तो बीजेपी का आप देख लीजिए, बीजेपी 65% आबादी पर राज करती है और तब जाकर उसे ये 48% चंदा मिला है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को 7.5% आबादी पर राज करने पर ही जो है इतना चंदा मिला है। पांचवी बड़ी बात यह कि वर्ष 2019 से 2020 के बीच जो 12,156 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे गए उनमें से 48% यानी 5,830 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स सिर्फ 20 बड़ी कंपनियों ने ही खरीद लिए। और असल में ये कंपनियां कौन थी? ये कंपनियां हैं जो लगातार चुनावी बॉन्ड्स खरीदकर अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टियों को लगातार चंदा दे रही थी। अब देखिए आगे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इनमें सबसे ज्यादा 1,368 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स एक ऐसी कंपनी ने खरीदे जो लॉटरी का बिजनेस करती है और इस कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग। शायद आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड्स इस कंपनी ने खरीदे हैं, 1,368 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी ने खरीदे हैं। अडानी ने नहीं खरीदे, अंबानी ने नहीं खरीदे, टाटा ने नहीं खरीदे, बिरला ने नहीं खरीदे, ये फ्यूचर गेमिंग वाले ने खरीदे हैं 1,368 करोड़ रुपए के। और ये नंबर एक पर है। ये वही कंपनी है जिसके ठिकानों पर ईडी और सीबीआई की रेड हो चुकी है और इस कंपनी के मालिक और लॉटरी किंग के नाम से मशहूर सेंटियागो मार्टिन का कनेक्शन दक्षिण भारत के कई बड़े नेताओं से बताया जाता है। और ये नेता कौन है आज हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको चंदा देने वाली 10 बड़ी कंपनियों के नाम बताते हैं जिनमें पहले स्थान पर यह फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी है। दूसरे नंबर पर 966 करोड़ रुपए का चंदा तेलंगाना की एक कंपनी ने दिया है जिसका नाम है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और इसके सीईओ हैं पीवी कृष्णा रेड्डी और इस कंपनी के खिलाफ इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सरकार में इस पार्टी को नियमों के खिलाफ सिंचाई से जुड़े प्रोजेक्ट्स देने के आरोप लगाए थे और इसीलिए सोचिए अगर इस पार्टी ने देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चंदा दिया है तो यह चंदा किसे मिला होगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने ये चंदा किसे दिया होगा। तीसरे नंबर पर है क्विक सप्लाई नाम की एक कंपनी जिसने 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया और ये कंपनी सिर्फ 24 साल पहले वर्ष 2000 में बनी थी और वर्ष 2019 से 2024 के बीच इसने 410 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक पार्टियों को दिया है। किसे दिया है वो सूची हमारे पास नहीं है। इसी सूची में चौथे नंबर पर जो कंपनी है उसका नाम है वेदांता लिमिटेड जिसने 400 करोड़ रुपए का चंदा दिया और यह भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और यह 1965 में बनी थी। बड़ी बात यह है कि यह कंपनी माइनिंग के क्षेत्र से जुड़ी है और इसके बाद जिस कंपनी ने 377 करोड़ रुपए का चंदा दिया उसका नाम है हल्दिया एनर्जी। 2015 में बनी इस कंपनी का पश्चिम बंगाल में थर्मल पावर प्लांट है और पश्चिम बंगाल वही राज्य है जहां टीएमसी की सरकार है और टीएमसी को बीजेपी के बाद देश में सबसे ज्यादा 12.5% चंदा मिला है। इसके अलावा आपने एयरटेल का नाम तो जरूर सुना होगा जिसे भारतीय एयरटेल कंपनी चलाती है और इस कंपनी ने 247 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और चंदा देने वाली कंपनियों में एयरटेल छठे स्थान पर है। इसके बाद एसएल माइनिंग ने 224 करोड़ रुपए, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 220 करोड़, केवेंटर फूड पार्क कंपनी ने 194 करोड़ रुपए, कोलकाता की एमकेजे एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 185 करोड़ रुपए का चंदा दिया और ये सारी वो कंपनियां हैं जिन्हें काम करने के लिए या तो केंद्र या फिर राज्य सरकारों से लाइसेंस या प्रोजेक्ट्स लेने पड़ते हैं। और अगर इन कंपनियों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया है तो इससे आप पूरी कहानी को समझ सकते हैं कि चंदा किसे दिया होगा। अब आपको उन आरोपों का सच बताएंगे जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ कंपनियों ने चंदा देने के लिए इसलिए चुनावी बॉन्ड्स खरीदे क्योंकि इन कंपनियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच या कार्रवाई हुई थी। सच बात यह है कि इस बात को अधूरी जानकारी के साथ फैलाया जा रहा है। आज हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे और इसके लिए आपको बड़ी स्क्रीन पर मैं कुछ आंकड़े आज दिखाने वाला हूं और वो आंकड़े आप ध्यान से देखिएगा। देखिए बड़ी स्क्रीन पर ये आंकड़े जरा ध्यान से आप देखिए। ये फ्यूचर ग्रुप है जिसने
सबसे ज्यादा पैसा दिया है। और फ्यूचर ग्रुप में देखिए, 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर ग्रुप पर ईडी की रेड पड़ती है। यहां देखिए, लॉटरी का व्यापार करने वाली जिस फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी ने सबसे ज्यादा 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया, उस कंपनी ने सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड्स तब खरीदे जब उस पर ईडी की कार्रवाई और रेड हो गई। और इसके आरोप के पीछे दो तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क यह है कि 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने इस कंपनी की 409 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर लिया और तब कार्रवाई के सिर्फ 5 दिन के बाद 7 अप्रैल 2022 को इस कंपनी ने एक ही दिन में 100 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे। देखिए, एक एक करोड़ रुपए के 100 इलेक्टोरल बॉन्ड्स इसने खरीद लिए। और देखिए, ये सारे एक ही दिन के हैं। डेट आप देख लीजिए, 7 अप्रैल 2022 को एक ही दिन में 100 बॉन्ड्स खरीदे हैं, एक एक करोड़ रुपए के। ये पूरे मेरे पास लिस्ट है, सब में 7 अप्रैल 2022 की डेट है और एक एक करोड़ के बॉन्ड्स हैं। और फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज नाम लिखा हुआ है। मैं पिछली स्क्रीन पर आपको दोबारा लेकर जाता हूं जहां ईडी का वो कागज है। देखिए, तो 7 अप्रैल को ये बॉन्ड खरीद लेते हैं, लेकिन इससे 5 दिन पहले 2 अप्रैल को ईडी इनके ऊपर रेड करता है और ईडी की प्रेस रिलीज मैंने साथ में लगा के रखी है। अब यह बात भी सही है कि आप स्क्रीन पर जो देख सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई के 5 दिन बाद 7 अप्रैल को इस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, ईडी की रेड के 5 दिन के बाद। यह बात भी सही है कि जब 2 जुलाई 2022 को ईडी ने इस कंपनी की 173 करोड़ रुपए की संपत्ति और अटैच कर ली, तब भी उसके सिर्फ 4 दिन के बाद 6 जुलाई को इस कंपनी ने फिर से एक ही दिन में 75 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स फिर से खरीद लिए। देखिए, अब ये जुलाई में आ गए, 2 जुलाई 2022 को ईडी ने फिर से रेड की और एक संपत्ति इनकी 173 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली। तो इससे एक बात तो यह पता चलती है कि इससे पहले जो रेड हुई उसके बाद इन्होंने 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे जो मैंने अभी आपको दिखाया 5 दिन के बाद ही। इसका मतलब वो बॉन्ड खरीदने के बाद भी ईडी की कार्रवाई रुकी नहीं। 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, हमें नहीं पता किसको दिए उन्होंने, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकी और जुलाई में फिर से ईडी की रेड हुई। फिर से ईडी की रेड होती है और देखिए उसके बाद 6 जुलाई को फिर से 75 इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक एक करोड़ रुपए के ये कंपनी फिर खरीद लेती है। देख लीजिए, 6 जुलाई डेट है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की नाम से और ये एक एक करके देखिए एक एक करोड़ के 75 इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्होंने खरीद लिए। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल तब उठता है जब इस संयोग को दिखाकर यह दावा किया जाता है कि इस कंपनी से चंदा लेने के लिए इस पर ईडी की रेड हुई। लेकिन अगर ऐसा ही है तो हमारा सवाल यह है कि जब वर्ष 2008 में इस कंपनी पर सिक्किम की सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे और बाद में यूपीए की सरकार के समय तमिलनाडु और केरल में इस कंपनी के ठिकानों पर पुलिस की बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई, क्या तब यह सब इस कंपनी से चंदा लेने के लिए हुआ था? क्या तब भी चंदा लेने की ही बात थी? इसके अलावा इसी कंपनी के खिलाफ मोदी सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्ष 2015 में भी कार्रवाई की थी और फिर वर्ष 2016 में ईडी ने इस कंपनी के ठिकानों पर रेड की और तब इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आई भी नहीं थी। तो आप खुद सोचिए कि अगर उस समय चुनावी बॉन्ड्स की स्कीम थी ही नहीं तो फिर ईडी ने इस कंपनी के खिलाफ 2016 में ही इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई क्यों की? आज आप इस बात को भी सोचिए कि अगर इस कंपनी ने ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए चुनावी बॉन्ड्स खरीदे तो फिर ईडी ने अपनी कार्रवाई रोकी क्यों नहीं? ईडी ने वर्ष 2019, 2022, 2023 में इस कंपनी की संपत्ति को अटैच करना जारी रखा। और देखिए कब कब जो है आप देख लीजिए, फ्यूचर गेमिंग ने कैसे कैसे उन्होंने हर साल ये बॉन्ड वो खरीदते चले गए। यानी एक कंपनी जो है 2020 से हर साल बॉन्ड खरीद रही है, 2020, 21, 22, 24, 23, 24 यहां तक। और अब भी इस कंपनी के खिलाफ ईडी की जांच बंद नहीं हुई है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इस कंपनी के खिलाफ अब भी जांच कर रहा है और इससे पता चलता है कि आरोप गलत है कि इस कंपनी ने ईडी की कार्रवाई के डर से चुनावी बॉन्ड्स खरीदे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ईडी चंदा देने के बाद इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करती ही नहीं। लेकिन कार्रवाई जारी रही, इससे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पर जो सवाल उठ रहे हैं वो गलत साबित होते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर
980 करोड़ रुपए के सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड्स तेलंगाना की एक कंपनी ने खरीदे जिसका नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अक्टूबर 2019 में इस कंपनी के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, अक्टूबर 2019, और बाद में इस कंपनी ने अप्रैल 2020 में 50 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीद लिए। और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कंपनी ने ये बॉन्ड्स इनकम टैक्स की कार्रवाई की वजह से खरीदे, लेकिन हमारा सवाल फिर से वही है कि अगर ये बॉन्ड इनकम टैक्स की कार्रवाई को रोकने के लिए खरीदे गए थे तो फिर इनकम टैक्स और केंद्र सरकार की कार्रवाई इस कंपनी के खिलाफ रुकी क्यों नहीं। केंद्र सरकार ने फिर जुलाई 2023 में इसी कंपनी को चुनावी बॉन्ड्स खरीदने के बाद भी चीन की कंपनी के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए मंजूरी नहीं दी और इसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसी तरह वेदांता ग्रुप ने 400 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, लेकिन सच यह है कि इस मामले में भी ईडी लगातार कार्रवाई कर रहा है और यह कार्रवाई इस कंपनी के चुनावी बॉन्ड्स खरीदने से नहीं रुकी। और कंपनी के चुनावी बॉन्ड्स खरीदने के बाद भी ईडी ने हाल ही में इसके खिलाफ फिर से कार्रवाई की है। बड़ी बात यह है कि चीन के नागरिकों से रिश्वत लेकर वीजा देने के मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जो जांच चल रही है वो मामला वेदांता ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है और ईडी अब भी इस मामले की जांच कर रहा है। अब इस कंपनी के मालिक की कहानी के बारे में बताते हैं जो सबसे बड़ा निवेशक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, और उसका नाम है फ्यूचर गेमिंग। और फ्यूचर गेमिंग सालाना टर्नओवर 16,000 करोड़ रुपए का है और इसने 1,368 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया है। आज जब हमारी टीम ने गूगल पर इस कंपनी का एड्रेस सर्च किया तो हमारे सामने ये जो पता आया वो पंजाब के लुधियाना में है, लेकिन जब हमारी टीम इस पते पर पहुंची तो इस कंपनी का कोई दफ्तर वहां नहीं मिला और हमें यह पता चला कि इस कंपनी का हेड ऑफिस तमिलनाडु के कोयंबटूर में है, लेकिन गूगल पर इसका मुख्य पता पंजाब के लुधियाना का है, जबकि इस पते पर जो बिल्डिंग है वहां कोई दफ्तर है ही नहीं। और अब आप लुधियाना के इसी लापता पते से हमारी ये रिपोर्ट देख सकते हैं। हम बिल्कुल वहां पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये लोकेशन में दिखा रहे हैं आपको, ये फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की लोकेशन है। हम इसको जब शुरू करते हैं तो हम वहां पे पहुंच चुके हैं, लेकिन इस जगह पे ना तो कोई भी कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है और ना ही किसी तरह के आसपास के लोगों को अब इस कंपनी के बारे में पता है। लोग कहते हैं कि अब से कुछ साल पहले, साल डेढ़ साल पहले यहाँ पे ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ से ऑफिसर शिफ्ट हो गया है। तो देखिए, दाल में तो काला जरूर है। कई ऐसी कंपनियां मिली हैं जिनके जो पते उन्होंने बताए गए हैं वो पते या तो हैं ही नहीं या यकीन नहीं होता कि इन बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीद रही हैं वो इन पतों से ऑपरेट करती हैं। हमें पूरा यकीन है कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर मिलेगा और जब असली डेटा आएगा तब आपके सामने तस्वीर पेश हो पाएगी कि किस कंपनी ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो लेकर किस पार्टी को दिए हैं। अभी तो हमें सिर्फ ये पता है कि किन किन कंपनियों ने लिए हैं और हमने आपको बताया कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं। अब अगली जो कड़ी आएगी जिसका आपको इंतजार करना चाहिए वो ये है, जब आपको ये पता चलेगा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को ये चंदा दिया है और फिर क्या उस पार्टी ने उस कंपनी को उस चंदे के बदले कोई फायदा भी पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी को तो सबसे ज्यादा पैसा मिला ही है, लेकिन दूसरी पार्टियों को भी पैसा मिला है और ये एक ऐसा झरना है चंदे का जिसका पानी हर पार्टी ने पिया है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी हो। राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि इसके जरिए एक्सट्रॉर्शन हो रहा है, लेकिन उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो लगभग 1,500 करोड़ रुपए उनकी पार्टी को चंदा मिला वो कहां से आया। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है, बस यही जिंदगी है। नमस्कार।